वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर स्वेडिश लीग का मैच हो रहा है आईएफई वर्सेस स्टॉकहोम के बीच, जो कि 10:30 बजे खेला जाएगा। तो आज मैं किसी काम में भाई बिजी था, तो आज ज़्यादा वीडियोस नहीं आ पाई। पिछले दो मैच की वीडियो स्किप हो गई और अपकमिंग एक आधे मैच की इसकी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा जुवेंटस की। सो समझने की कोशिश करो भाई, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो ये मैच मेरा फुल्ली एनालाइज है, क्योंकि ये मैच मेरा ऑलरेडी सुबह ही एनालाइज हो चुका था, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बात करें फेवर की। तो आईएफई का लास्ट सीजन टॉप थ्री में एंडिंग की थी इन्होंने दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पर अगर कोई टीम अपना फाइनल लिस्ट फर्स्ट रनर अप बनती है तो आई थिंक उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी। और स्टॉकहोम वैसे मुझे अच्छी लगती है, लेकिन स्टॉकहोम कभी भी टॉप फाइव के अंदर इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। तो स्टॉकहोम वैसे अच्छी है, किसी भी बड़ी टीम को मात देती है, लेकिन डबल साइड रहेगा ये मैच। अगर ये दो गोल करेंगे तो वो भी दो कर सकते हैं, अगर ये चार करेंगे तो वो तीन कर सकते हैं। मतलब है ये एक हाई गोल स्कोरिंग मैच। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहले देखिए मैं लूँगा फ्रिक को। मेरे को पी फ्रिक बहुत बढ़िया लगता है भाई। पी फ्रिक का मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा था, मेरे को पी फ्रिक इनका सबसे जेन्युइन प्लेयर लगा, मेरे को कोई भी इतना अच्छा नहीं लगा। आप देखो स्ट्राइकिंग में इतने सारे स्ट्राइकर हैं, तब भी मैंने सबसे पहले फ्रिक को क्यों लिया। मैं चाहता तो सिलेक्शन के बेसिस पे भी प्लेयर उठा सकता था, लेकिन मैंने सिलेक्शन बेसिस देखनी नहीं। 13% सेलेक्टेड है ना, ये आपके काम आने वाला है, आज आप लिख लो। उसके बाद इनका एक प्लेयर है जिसका नाम है सिमन। देखिए सिमन मुझे उतना बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि मिडफील्डिंग में इनके पास और अच्छे अच्छे ऑप्शन है। वो सिमन को ज़बरदस्ती खिलाते हैं कि एक आधा गोल आ जाए, तो मुझे मजबूरी में लेना पड़ेगा। उसके बाद AIS का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर इयोनिस पीटर्स है यहाँ पर, जो कि किसी भी मैच में किसी भी सिचुएशन में गोल कर सकता है किसी भी टीम को। एंड मिडफील्डिंग की बात करें तो ज़ैनली को लो। जैनली के बाद बेडू असिस्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन मेरे को बेडू से एक्सपेक्टेशन ना होकर मुझे एक्सपेक्टेशन फैनर से है, पता नहीं क्यों। मैंने इतना ज़्यादा एनालाइज किया, मेरे को अच्छे अच्छे प्लेयर दिखे, मुझे टी नूर अच्छा लगा, मेरे को अपनी टीम में ए फैनर अच्छा लगा, मुझे बेडू भी ठीक लगा, लेकिन बेडू पे ट्रस्ट उतना नहीं है जितना कि फैनर पे है। तो मैं इसके साथ जाऊँगा। अगर इन चारों में से कोई प्लेयर नहीं खेलता, मान लो ज़ैनली, फैनर, हेडलैंड एंड टी फ्रिक में से अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता, तो उसकी जगह पर मैं अपनी टीम में बेडू को लूँगा। और अपोजिशन टीम की बात करें, आई कॉलीवैली द मेन प्लेयर, आर मोडेस्टो ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा, क्योंकि मोडेस्टो की रिप्लेसमेंट है वैसे, उसकी रिप्लेसमेंट और भी प्लेयर हैं, उसकी रिप्लेसमेंट ये है एम मेलिंगसन, लेकिन मैं रिप्लेस कर नहीं रहा क्योंकि मोडेस्टो बहुत सेफ है और इसके लिए जाना जाता है। एंड बात करें डिफेंडिंग की, डिफेंडिंग में भाई यहाँ पर मैं लूँगा हल्ट को, हल्ट के बाद बॉमन के बाद मैं क्लीन शीट वाली टीम नहीं बना रहा, तो इसलिए एक प्लेयर अपोजिशन टीम का होगा, दैट वॉज एम ट्राइकॉसन। एंड बात करें गोल कीपिंग में AIS का प्लेयर के नॉर्डफेल्डी। और बात करें कैप्टन की, कैप्टन है यहाँ पर मेरा, जो मेरा है कैप्टन फ्रिक, और जो मेरा नहीं ज़ैनली, भाई ज़ैनली को रखो, फ्रिक लो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन लो है, कल को गोल ना करके क्या हार जाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ नॉर्मली गोल कर जे ठीक है, क्योंकि एक गोल भी वैसे भी आगे चलेगा। वाइस कैप्टन आई पीटर्स। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।